हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशन में हमने देखा पाइथन स्ट्रिंग क्या होते हैं और उसके साथ में कुछ मेथड्स देखी थी। इस सेशन में हम देखेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स मेथड इज अल नम, इंडेक्स इज अल्फा, इज डेसिमल और इज डिजिट का हम पाइथन कोड में किस तरह से यूज़ करते हैं। इज अल नम मेथड, द इज अलनम मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक, आइदर अल्फाबेट्स और नंबर्स। इफ नॉट इट रिटर्न्स फॉल्स। जब किसी स्ट्रिंग के अंदर अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स जैसे कि अल्फाबेट्स और नंबर होते हैं तो इज नम मेथड ट्रू रिटर्न करता है, और यदि उस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। द सिंटैक्स इज अल नम मैथड इज स्ट्रिंग डॉट इज अल नम। यहाँ पे स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और यहाँ पे इज अल नम मैथड को कॉल किया है। इज अल नम मैथड पैरामीटर्स, द इज अल नम डज नॉट टेक एनी पैरामीटर। इज अलनम मेथड कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम इज अलनम, अगर यहाँ पर सारे के सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर अल्फा न्यूमेरिक होंगे तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, और यदि इसमें कोई भी कैरेक्टर ऐसा हो जो अल्फा न्यूमेरिक नहीं हो तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सीधे एग्जाम्पल, चेक इफ ऑल द कैरेक्टर इन द टेक्स्ट इज अल्फा न्यूमेरिक। हमें चेक करना है कि जो टेक्स्ट हमने वेरिएबल लिया है उसके सारे के सारे कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक हैं। यहाँ पे txt1 एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है, इसमें एक स्ट्रिंग हमने पास किया है dbgyan@2020। यहाँ पे जो @ है ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है तो हम इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं एक एक्स वेरिएबल को। तो txt1.isAlnum मेथड को यूज़ किया है और एक्स की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो जब इस एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें हमने एक नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर लिया है जो @ है। फिर हम लोग एक और टेक्स्ट txt2 ले लेते हैं जिसमें हमने dbgyan2 पास किया है, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, और इसकी वैल्यू असाइन करते हैं हम किसी y वेरिएबल को, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, और जब इस y को आप प्रिंट करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग के सारे जो कैरेक्टर हैं वो अल्फा न्यूमेरिक है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स के अल्फा न्यूमेरिक है। नाउ सी इन कंसोल प्रॉम्प्ट या पाइथन सेल, txt1 इसको एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है, इसमें हम पास कर देते हैं dbgyan@2020। ठीक है, एक स्ट्रिंग पास कर दिया। अब कोई वेरिएबल एक्स लेते हैं, txt1 इस अलनम मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे। प्रिंट करते हैं एक्स को। अब ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आपने @ पास किया है ये नॉन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, या तो अल्फाबेट होना चाहिए फिर नंबर होना चाहिए। ये कोई हम स्ट्रिंग लेते हैं txt2, इसमें पास कर दिया हमने dbgyan2, इसको असाइन कर देते हैं y को txt2 इज अलनम मेथड को कॉल किया है। प्रिंट करेंगे प्रिंट
वाई ओके ये टू दे रिटर्न देगा, मतलब अगर इसमें अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो नॉन अल्फा न्यूमेरिक होगा तो ये इसको फॉल्स कर देगा, और अगर इसमें कोई सारे के सारे कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक होंगे तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग इंडेक्स मेथड, द इंडेक्स मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ ए सब स्ट्रिंग इन साइड द स्ट्रिंग इफ फाउंड, इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड इट राइज एन एक्सेप्शन। इंडेक्स मेथड उस स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग का इंडेक्स रिटर्न करेगा जब वो जब जब उसको आप उस स्ट्रिंग के अंदर सर्च करते हैं, तो अगर वो उसके अंदर मिल जाता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और यदि सब स्ट्रिंग उसके अंदर नहीं मिलता, सब स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलेगा तो ये एक एक्सेप्शन दे देगा, एक्सेप्शन एरर दे देगा। द सिंटैक्स ऑफ द इंडेक्स स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, उसमें जो पैरामीटर है वैल्यू कॉमा स्टार्ट और एंड, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और जो हमने वैल्यू पास किया इट इज़ द सब स्ट्रिंग ऑफ टू बी सर्च इन द स्ट्रिंग, जो सब स्ट्रिंग हम स्ट्रिंग के अंदर सर्च करने वाले उसकी वैल्यू है, और स्टार्ट यहाँ पे ऑप्शनल है। वेयर टू स्टार्ट द सर्च डिफॉल्ट इज जीरो, जहाँ से हम सर्च स्टार्ट करने वाले हैं वो पोजिशन होगी और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जीरो होती है। एंड द ऑप्शनल, ये भी ऑप्शन एंड भी ऑप्शनल होता है। वेयर द वेयर टू एंड द सर्च डिफॉल्ट इज टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। जहाँ पे आपका सर्च एंड हो जाता है तो वहाँ वहाँ तक के उसकी पोजिशन देते हैं, जो स्ट्रिंग के अंदर डिफॉल्ट स्ट्रिंग का एंड होता है। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स, इफ द सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन साइड द स्ट्रिंग इट रिटर्न द लोवेस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग वेयर द सब स्ट्रिंग इज फाउंड। जब सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर आपके अंदर एग्जिस्ट होता है तो ये जो स्ट्रिंग की जो सबसे लोवेस्ट इंडेक्स होता है उसको रिटर्न करता है, जहाँ पे वो सब स्ट्रिंग उसको मिल गया है। इफ सब स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन साइड द स्ट्रिंग इट राइज ए वैल्यू एरर एक्सेप्शन। अगर सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये एक वैल्यू एरर एक्सेप्शन दे देता है, और एक तरह का ये एरर होता है। द इंडेक्स मेथड इज द सिमिलर टू फाइन मेथड फॉर द स्ट्रिंग, इंडेक्स मेथड फाइन मेथड के जैसे ही होता है। The only difference is that the find method return minus one if the substring is not found and where the index thrown and the exception. केवल डिफरेंस ये होता है find method और index method में कि जब कोई substring string के अंदर नहीं मिलता है तो find method minus one return करता है, जबकि index method एक exception error दे देता है। See the example where in the text is the first occurrence of the word welcome when you only search between the position 0 and 20. एक कोई स्ट्रिंग आपको दिया है उसमें आपको वेलकम वर्ड को सर्च करना है कि वेलकम जैसी फर्स्ट टाइम अगर फर्स्ट पोजिशन जहाँ पे जिस पोजिशन पे मिल जाता है वो आपको उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, और ये जो पोजीशन है वो 0 से 20 के बीच की होगी। तो इसके लिए हम एक टीएक्सटी एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, इसमें हमने पास किया हेलो वेलकम टू माय वर्ल्ड, ये स्ट्रिंग पास कर दिया। अब इसमें एक्स एक वेरिएबल लिया है, इसमें टीएक्सटी डॉट इंडेक्स के हमने पास किया, और इसमें उस जो जो वैल्यू दी है वेलकम इसकी स्टार्टिंग पोजिशन है 0 और एंडिंग पोजिशन इसकी 20 है। तो जब आप इसको प्रिंट करते हैं, जब जब इसको आप प्रिंट करेंगे एक्स की वैल्यू को, तो ये इसकी पोजीशन को दे देगा कि ये एलिमेंट कहाँ पर सर्च हुआ है। तो ये जो जब सर्च होके इसका इंडेक्स एलिमेंट आएगा दिस इज द 7। पाइथन सेल पे देखते हैं, txt हमने एक वेरिएबल लिया है, इसमें एक स्ट्रिंग पास कर दिया है
एक्स कोई वेरिएबल लिया है तो मैं पास कर टी एक्स टी डॉट इंडेक्स में स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग पास कर देते हैं हम वेलकम जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन दी हमने 0 और एंडिंग पोजीशन दी थी 20। अब इसको प्रिंट करते हैं प्रिंट एक्स दिस इज 7। इसमें एक सब स्ट्रिंग माई चेक करते हैं एक वाई एक वेरिएबल ले लेते हैं टी एक्स टी डॉट इंडेक्स इसमें हमने पास कर दिया माई इसमें हम स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पास नहीं करना प्रिंट वाई ओके स्ट्रिंग इज अल्फा मेथड द इज अल्फा मेथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेट इफ नॉट इट रिटर्न फॉल्स। जब किसी स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर अल्फाबेट्स होंगे तो इज अल्फा मेथड ट्रू रिटर्न करता है अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। द सेंटेक्स ऑफ इज अल्फा इज स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा यहाँ पे स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और इज अल्फा एक मेथड है जिसको कॉल किया है। द पैरामीटर वैल्यूज इज अल्फा डज नॉट टेक एनी पैरामीटर इज अल्फा मेथड कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम इज अल्फा ट्रू इफ द ऑल द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज अल्फाबेट कैन बी बोथ लोअर केस एंड अपर केस। अगर स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारा कैरेक्टर अल्फाबेट्स हैं चाहे वो लोअर केस में हो चाहे अपर केस में हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स इफ एटलीस्ट वन कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर अगर उसमें अल्फाबेट नहीं होगा तो अगर तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। मतलब स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई भी मतलब एटलीस्ट वन कैरेक्टर भी अगर अल्फाबेट नहीं होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सी द एग्जांपल चेक इफ द ऑल द कैरेक्टर इन द टेक्स्ट आर लेटर जैसे हमने यहाँ टी एक्स टी पास कर दिया इसमें स्ट्रिंग में पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल टी एक्स टी लिया इसमें स्ट्रिंग पास कर दिया डी बी एन। अब इसको चेक करते हैं टी एक्स टी डॉट इज अल्फा इसकी वैल्यू असाइन करते हैं तो एक्स अब एक्स को प्रिंट करते हैं तो ये जो इसका आउटपुट है वो ट्रू डिस्प्ले करेगा क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर इस टेक्स्ट के अल्फाबेट हैं। नाउ सी इन पाइथन सेल टी एक्स टी स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं इसमें एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं डी बी ज्ञान को प्रिंट करके देखते हैं प्रिंट टी एक्स टी डॉट इज अल्फा ओके ट्रू रिटर्न कर देते हैं। एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं टी एक्स टी वन उसमें पास करते हैं डी बी ज्ञान 2.0 इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं प्रिंट टी एक्स टी वन डॉट इज अल्फा ये फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि यहाँ पे ये नंबर और ये यहाँ पे इसमें स्पेशल नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर पास किया। स्ट्रिंग इज डिजिट मेथड द स्ट्रिंग इज डिजिट मेथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग आर डिजिट इफ नॉट इट रिटर्न फॉल्स। जब स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर अगर डिजिट होंगे तो इस डिजिट मेथड ट्रू रिटर्न करेगा अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा।
नाउ द सिंटेक्स ऑफ इस डिजिट इज स्ट्रिंग डॉट इस डिजिट, यहाँ पे स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है और इस डिजिट एक मेथड है. द पैरामीटर वैल्यूज, द इस डिजिट डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, इस डिजिट मेथड कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है. रिटर्न वैल्यू फ्रॉम इस डिजिट, इस डिजिट रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर डिजिट, ये ट्रू रिटर्न करेगा जब इसके सारे सारे कैरेक्टर डिजिट होंगे. फॉल्स इफ एट लिस्ट वन कैरेक्टर इज नॉट ए डिजिट, अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एटलीस्ट वन कैरेक्टर भी अगर डिजिट नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. सी द एग्जाम्पल, चेक इफ ऑल द कैरेक्टर इन द टेक्स्ट आर डिजिट, टेक्स्ट के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर डिजिट है उसको चेक करना है. या फिर टेक्स्ट हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दिया और एक्स को इसकी वैल्यू असाइन की है टी एक्स डॉट इज डिजिट, तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये इसको इसके आउटपुट ट्रू रिटर्न कर देगा बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो सारे डिजिट हैं. नाउ सी इन पाइथन सेल, टी एक्स टी इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग पास कर दिया, ये डिजिट है तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट टी एक्स टी डॉट इज डिजिट. इट इज ट्रू, टी एक्स टी एक और वेरिएबल हमने पास किया, ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू पास कर देते हैं, इसको चेक करते हैं, प्रिंट टी एक्स टी वन डॉट इज डिजिट. इट इज फॉल्स. स्ट्रिंग इज डेसिमल मेथड, द इज डेसिमल मेथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग आर डेसिमल कैरेक्टर्स, इफ नॉट इट रिटर्न फॉल्स. अगर किसी स्ट्रिंग में सारे के सारे कैरेक्टर डेसिमल कैरेक्टर हैं तो इस डेसिमल मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा. द सिंटैक्स ऑफ इस डेसिमल इज स्ट्रिंग डॉट इस डेसिमल, यहाँ पे इस डेसिमल इज मेथड और स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग वेरिएबल है. पैरामीटर वैल्यूज, द डेसिमल इस डेसिमल डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, इस डेसिमल मेथड कोई पैरामीटर नहीं लेता है. रिटर्न वैल्यू फ्रॉम इस डेसिमल, ये ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर डेसिमल कैरेक्टर, अगर स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर अगर डेसिमल कैरेक्टर होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. फॉल्स इफ एटलीस्ट वन कैरेक्टर इज नॉट डेसिमल कैरेक्टर, और यदि स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर एटलीस्ट कोई ऐसा कैरेक्टर है जो डेसिमल नहीं है तो ये फॉल्स होगा. सो इन एग्जाम्पल, चेक इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द यूनिकोड आर डेसिमल, हम यूनिकोड पास करेंगे जिससे फाइंड करेंगे कि उसके जो कैरेक्टर वो डेसिमल में है या नहीं है. एक हमने एक वेरिएबल या स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, इसमें हमने पास कर दिया यूनिकोड को पास किया है जो कि जीरो का यूनिकोड है, तो इसको प्रिंट करते हैं ए डॉट इज डेसिमल, तो इसका आउटपुट मिलता है ट्रू बिकॉज दिस इज द डेसिमल वैल्यू. फिर एक और बी एक वेरिएबल लिया, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें भी हमने यूनिकोड पास किया है, ये जी का यूनिकोड है और जब इसको हम बी डॉट इस डेसिमल के साथ प्रिंट करते हैं तो इसकी वैल्यू फॉल्स दे देगा बिकॉज ये कैरेक्टर वैल्यू है, कैरेक्टर है, ये डेसिमल वैल्यू नहीं है, इसलिए ये फॉल्स देगा. एक वेरिएबल ले लेते हैं
स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसमें पास करते हैं हम यूनिकोड स्ट्रिंग। ये जीरो का यूनिकोड है, तो प्रिंट करते हैं प्रिंट ए डॉट इज डेसिमल। इट इज ट्रू, एक स्ट्रिंग वेरिएबल को लेते हैं, सो पास करते हैं यूनिकोड ऑफ, ये जी का यूनिकोड है, ये फॉल्स दे देता है। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पाइथन से रिलेटेड आपको कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग devgyan.wordpress.com, devgyan.school.blog पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।